से लिखी हुई कहानी है, स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से खून ही मांगेगी। पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध के चैप्टर 2 का ऐलान केजीएफ स्टाइल में कर दिया है। ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस के मोस्कोवा जहाज को क्या डुबोया, पुतिन ने पूरे यूक्रेन को पाताल लोक में बदलने की कसम खा ली। इक्यासी साल पहले जो गलती जापान ने अमेरिका के खिलाफ की थी, वही भूल यूक्रेन ने रूस के साथ दोहरा दी। '41 में पर्ल हार्बर पर हमला करके जापान ने अमेरिका को इस कदर उकसा दिया था कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराकर जापान को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया। इसी तरह 77 साल पहले 9 मई 1945 को सोवियत संघ के सामने नाजी जर्मनी ने घुटने टेक दिए। रूस में हर साल 9 मई को विक्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है और आशंका है कि विक्ट्री डे से पहले पुतिन यूक्रेन के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, जिसकी आशंका ने ज़ेलेंस्की से लेकर CIA के डायरेक्टर तक को डरा दिया है। While we've seen some rhetorical posturing on the part of the Kremlin about moving to higher nuclear alert levels, so far we haven't seen a lot of practical evidence of the kind of deployments. Чим більше і чим швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, тим сильніші будуть наші позиції, тим скоріше буде мир. Юдх ко 2 महीने बीत चुके हैं। लोग इस युद्ध के शांत होने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि पुतिन ने अभी तो इस युद्ध का चैप्टर 2 बस शुरू ही किया है और अब वो पूरी दुनिया से KGF के स्टाइल में कह रहे हैं, वायलेंस। I don't like it. हाल ही में फिल्म KGF चैप्टर 2 रिलीज हुई है। इस फिल्म का हीरो हिंसा और खून खराबे के दम पर सत्ता पर कब्जा करता है। बिना किसी परवाह के वो अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहता है। ठीक इसी स्टाइल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चल रहे हैं। उन्होंने भी इस महायुद्ध के चैप्टर 2 का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने प्रण लिया है कि वो 9 मई तक इस युद्ध को अपने मन मुताबिक अंजाम तक पहुंचा देंगे। पुतिन का ये KGF स्टाइल वाला बदलाव दुनिया पर कैसे भारी पड़ सकता है, यह आपको हमारी अगली रिपोर्ट देखकर समझ आ जाएगा। पुतिन का सबसे बड़ा प्रहार। नौ मई को होगा सबसे बड़ा नरसंहार। पुतिन दबाएंगे न्यूक्लियर बटन। कह ढाएंगे केमिकल हथियार। दुनिया भर के कई विशेषज्ञों को लगता है कि 9 मई तक व्लादिमीर पुतिन अपने प्लान बी को अमली जामा पहना देंगे और इस प्लान बी के जरिए पुतिन अपना चेहरा बचाने की कोशिश करेंगे, यानी तब तक उनकी सेनाएं पूर्वी यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लेगी और पुतिन दुनिया से कह देंगे कि उन्होंने युद्ध जीत लिया है। और ये सब होगा 9 मई के दिन, जब मॉस्को के रेड स्क्वायर पर विक्ट्री डे परेड का आयोजन होगा। 9 मई 1945 को नाजी जर्मनी की सेनाओं ने USSR के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और इस दिन को रूस और सोवियत संघ में शामिल रहे कई देशों में धूमधाम से मनाया जाता है। प्रभा, प्रभा,
लेकिन 9 मई तक पुतिन सिर्फ यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा करके ही संतुष्ट हो जाएंगे या फिर वो कुछ ऐसा करेंगे जिसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 9 मई तक पुतिन अपने प्लान बी को नहीं बल्कि इस युद्ध के चैप्टर 2 को उसके अंत तक पहुंचाना चाहते हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनमें टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से लेकर केमिकल हथियारों तक के इस्तेमाल की आशंका शामिल है। पुतिन कोई विध्वंसकारी फैसला इसलिए भी ले सकते हैं क्योंकि वो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुके हैं। इस युद्ध में उनके कई बड़े सैन्य अधिकारी जान गंवा चुके हैं। जो जीत उन्हें चाहिए थी वो अभी तक हासिल नहीं हुई है और दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जो इस समय रूस के साथ खड़े हैं। लेकिन पुतिन को करीब से जानने वाले कहते हैं कि उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। वो KGF के रॉकी की तरह मानते हैं, मेरी दोस्ती लायक कोई यार नहीं और मेरी दुश्मनी झेल सके ऐसी कोई तलवार नहीं। मेरे दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरे दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। और 9 मई से पहले वो यूक्रेन के खिलाफ तबाही की ऐसी तलवार चला सकते हैं जो तीसरे विश्व युद्ध के रूप में पूरी दुनिया को रक्त रंजित कर सकती है। यूक्रेन का क्लेम है और वेस्टर्न कंट्रीज का क्लेम है कि ब्लैक सी के अंदर उन्होंने मॉस्कोवा को अटैक करके डुबो दिया। ये खबर अपने आप में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी हो सकती है, प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकती है। लेकिन अगर ये बात सही है तो ये बहुत चिंताजनक बात होगी क्योंकि रशिया इसको बड़े आसानी से नहीं हजम करेगा। वो इसके बड़े सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस ढूंढेगा यूक्रेन और नेटो फोर्सेस के खिलाफ। मुझे लगता है कि ये पहला एक ऐसा अटैक होगा जो इस पूरे वॉर का डायमेंशन बदल देगा। ये वॉर अपने आप में एक बड़े वॉर में एस्केलेट कर सकती है अगर मॉस्कोवा को सही में वेस्टर्न कंट्रीज ने डुबोया होगा। गॉड ब्लेस, ऐसा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। इस युद्ध में न्यूक्लियर और केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की कितनी आशंका है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि पुतिन का अगला कदम क्या हो सकता है। 52 दिन पहले जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तो रूस के निशाने पर यूक्रेन की राजधानी कीव थी। कीव पर कब्जा करने के लिए रूस की सेनाएं बेलारूस की दिशा से चेर्नोबिल के रास्ते आगे बढ़ रही थी और रूस के बेलगोरोद शहर की तरफ से भी रूसी सेना का एक बड़ा काफिला आगे बढ़ रहा था। इस दौरान चर्निहिव और सूमी जैसे शहरों में भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन जब यूक्रेन की सेनाओं ने रूस के 64 किलोमीटर लंबे सैन्य काफिले को कीव के बाहर रोक दिया तो रूस की सेना वापस पूर्वी दिशा की तरफ लौटने लगी। इसके अलावा क्राइमिया की दिशा से रूस की सेनाओं ने ओडेसा पर भी हमला किया जो ब्लैक सी का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है और जो सामरिक और रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ अब भी रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच ऑफेंसिव और काउंटर ऑफेंसिव का खेल चल रहा है, लेकिन अब रूस की सेनाओं का फोकस डोनबास इलाके की तरफ शिफ्ट हो गया है जो पिछले काफी अरसे से रूस समर्थित अलगाववादियों के कब्जे में था। इसके अलावा डोनबास के केंद्र से करीब 200 किलोमीटर दूर मारियोपोल इलाके में भी भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है। सामरिक दृष्टि से ये इलाका भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मारियोपोल पर जिसका कब्जा होगा उसका सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी पर भी नियंत्रण होगा। इसलिए अब कीव, चेर्नोबिल और चेर्निहिव जैसे शहरों से वापस लौटी रूसी सेनाएं डोनबास को घेरने और मारियोपोल को जीतने की कोशिश कर रही है। लेकिन 9 मई तक यानी सिर्फ 22 दिनों में रूस के लिए ये लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं है और इसलिए आशंका जताई जा रही है कि ऐसा ना कर पाने की स्थिति में पुतिन और भी झुंझला सकते हैं और कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जो वर्ल्ड वॉर 3 की गारंटी बन सकता है। विक्ट्री डे परेड में अभी तकरीबन 3 हफ्ते का वक्त बाकी है और तब तक रूस की सेना को यूक्रेन पर एक बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। लेकिन जिस तरह से पश्चिमी देश खासतौर से अमेरिका हथियारों की मदद यूक्रेन को कर रहा है और यूक्रेन की सेना जंग के मैदान में डटी हुई है, ऐसा संभव नहीं लगता।
और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुतिन के गुस्से से दुनिया वाकिफ है। पुतिन कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं जो पूरी दुनिया को तबाही के मुहाने पर खड़ा कर सकता है। इतना ही नहीं, ब्लैक सी के पश्चिमी छोर पर ओडेसा के पास नेटो अपना सीक्रेट बेस बना रहा है और जिस तरह से यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस के मॉस्कोवा जहाज को एंटी शिप क्रूज मिसाइलों की मदद से डुबोया, उसने पुतिन को बहुत बड़ा झटका दिया है और अब वो पूरे यूक्रेन को पाताल लोक बनाने की जिद पाल सकते हैं। और अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया तो उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं। जी, कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ आई कि मॉस्कवा जो एक रशियन वॉरशिप है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रशियन वॉरशिप है, उसको यूक्रेन की मिसाइल्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो शुरू में रशिया ने इस बात का खंडन किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पर एक नेचुरल एक्सीडेंटल फायर थी जिसके वजह से वो वॉरशिप डिस्ट्रॉय हो गई, ना कि यूक्रेन की मिसाइल्स के द्वारा। हालांकि यूक्रेन ने हमेशा से इस बात को क्लेम किया कि यह हमारे हमले की वजह से हुई है। पुतिन तबाही से नहीं घबराते और शायद इसीलिए उन्होंने अब यूक्रेन युद्ध की कमान अलेक्जेंडर द्रोविनिकोव को सौंप दी। अलेक्जेंडर को बुचर ऑफ सीरिया कहा जाता है क्योंकि सीरिया युद्ध के दौरान उन्हीं के नेतृत्व में रूसी सेना ने जमकर कहर बरपाया था। एक खूंखार कमांडर को युद्ध की कमान देकर पुतिन ने साबित कर दिया कि वो यूक्रेन और नेटो से KGF स्टाइल में बदला लेने के लिए तैयार है। KGF चैप्टर 2 फिल्म का एक डायलॉग है, तलवार चलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं तरक्की होती है, और उसमें लाशें भी बेकार नहीं जाती, चाहे तो वृद्धों से पूछ लीजिए। तलवार चलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं तरक्की होती है, उसमें लाशें भी बेकार नहीं जाती, चाहिए तो गिद्धों से पूछ ले। लेकिन फिल्म और असली दुनिया के युद्ध में एक फर्क होता है, और वो ये कि फिल्म में तो खून खराबे के बाद ही हैप्पी एंडिंग संभव होती है, लेकिन असल दुनिया में हिंसा के बाद हैप्पी एंडिंग की कोई जगह नहीं। ये सारी कहानी सुनने के बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर पुतिन करने क्या वाले हैं? क्या वो परमाणु बम का बटन दबा देंगे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको इस शो के चैप्टर 2 का इंतजार करना होगा। तो अभी तो दुनिया ने इस युद्ध के चैप्टर 2 का ट्रेलर देखा है और पूरी पिक्चर अभी बाकी है।